नमस्कार, मैं कृष्णा पांडे और आप देख रहे हैं द वेब न्यूज़। और आज की हमारे इस नए वीडियो में मैं आपको एंटी कोविड नेसल स्प्रे के बारे में जानकारी देने वाला हूं। शोधकर्ताओं ने कई सारे रसायन का इस्तेमाल SARS-CoV-2 वायरस पर किया तो पता चला कि इस नाइट्रिक ऑक्साइड एकमात्र रसायन है जो अब तक SARS-CoV-2 पर सीधा प्रभाव डालता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का इस्तेमाल मेडिकल के क्षेत्र में कई वर्षों से होता आ रहा है, जैसे फंगल वायरस, सेल्फ ग्रोथ मॉड्यूलेशन, वसोडाइलेशन और इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। ऑक्साइड की एक छोटी सामयिक मात्रा का इस्तेमाल करके वैंकूवर स्थित बायोटेक फर्म सैनोटाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और उसके साथ सेंट पीटर हॉस्पिटल, NHS फाउंडेशन ट्रस्ट, बर्कशायर पैथोलॉजी के साथ मिलकर एंटी कोविड नेजल स्प्रे को बनाया गया है। एंटी कोविड नेजल स्प्रे का दूसरा चरण खत्म हो चुका है और तीसरा चरण अभी चल रहा है। सैनोटाइज रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर गिली रेजब का कहना है कि इसराइल और बहरीन में इसे आपातकालीन इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। कोरोना मरीजों पर इस नेजल स्प्रे का इस्तेमाल किया गया तो मरीजों में पहले 24 घंटों में कोरोना वायरस में लगभग 95% और अगले 72 घंटों के भीतर 99% अधिक औसत की कमी से गिरावट देखी गई। रिपोर्ट के अनुसार स्प्रे यूके और कनाडा नौदैनिक परीक्षण में अत्यधिक प्रभावी पाया गया था। इसके अलावा यह यूके COVID-19 वेरिएंट के खिलाफ प्रभावकारी दिख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि यह कैसे काम करता है, आइए समझते हैं। नेजल स्प्रे दो प्राथमिक तरीकों से काम करता है। पहला, सबसे पहले स्प्रे नाक के अंदर वायरस को पकड़ता है जिसके माध्यम से यह मानव शरीर में प्रवेश करता है। फिर यह वायरस को कोट करता है और इसे दो सामान्य मार्गों से या तो नाक बहने या निगलने के माध्यम से नष्ट कर देता है। दूसरा, चूंकि वायरस स्प्रे अभिनय में संलग्न है इसलिए यह शरीर को संक्रमित करने से रोकने में मदद करता है। इसका मतलब यह है कि COVID-19 वायरस की प्रभावशीलता और संक्रमित व्यक्ति को फैलने से रोकने में मदद करेगा। तो आइए जानते हैं नेजल स्प्रे का इस्तेमाल कैसे होता है। यह एक पोस्ट एक्सपोजर है, ठीक उसी तरह जैसे हैंड सैनिटाइजर। स्व प्रशासित नेसल स्प्रे नाइट्रिक ऑक्साइड की छोटी सी सामयिक मात्रा जारी करता है और इसका उद्देश्य ऊपरी वायु मार्ग में वायरस को मारना है। डॉक्टर मिल्लर ने कहा, यदि आप बाहर हैं लोगों के आसपास और संक्रमित हो सकते हैं तो आप इस स्प्रे का उपयोग कर सकते हैं और नाक में वायरस की संख्या को कम कर सकते हैं, जिससे इलाज करने में आसानी होगी और मरीज मरने से बच जाएगा। सैनोटाइज के संस्थापक डॉक्टर गिली रेजब, उन्होंने कहा है कि अगर इसे बाजार में लाया जाता है तो इससे लाखों लोगों की जान बच सकती है। रेजब ने यह भी कहा है कि जिन लोगों ने अब तक इसका इस्तेमाल किया है उन्हें कोरोना वायरस के खिलाफ सुरक्षा कवच मिला है। डॉक्टर स्टीफन विंचेस्टर, कंसल्टेंट मेडिकल वायरोलॉजिस्ट और NHS क्लिनिकल ट्रायल के मुख्य अधिकारी ने कहा, मुझे उम्मीद है कि यह COVID-19 महामारी विनाशकारी प्रभावों के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक प्रमुख अग्रिम होगा। COVID-19 के उपचार और आगे के संचरण को कम करने में पोर्टेबल नेजल स्प्रे अत्यधिक प्रभावी हो सकता है। हमारे परीक्षण में उच्च वायरल भार वाले रोगियों में अभी भी SARS-CoV-2 वायरस के स्तर पर महत्वपूर्ण कमी का प्रदर्शन किया गया है, जो हो सकता है टीकों के समर्थन में महत्वपूर्ण और भविष्य के प्रकोपों को रोक सके। सैनोटाइज COVID-19 के खिलाफ उपयोग के लिए एंटी कोविड नेजल स्प्रे की कंपनी ने इसराइल में एक उत्पादन लाइन शुरू की है। वहीं दूसरी तरफ इसराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 12 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए एंटी कोविड नेजल स्प्रे की अंतरिम मंजूरी दे दी है। वर्तमान में भारत देश के प्रत्येक कोने से हर दिन बढ़ रहे सक्रिय मामलों के साथ भारत देश में एक चौंका देने वाली संख्या दर्ज की गई, जो देश के कुल कोरोना वायरस को 2,14,51,598 तक ले गया। इस तरह के समय में विशेषज्ञों ने कहा है कि देश में सबसे घातक वायरस के खिलाफ एंटी कोविड नेसल स्प्रे आपातकालीन स्वीकृति गेम चेंजर बन सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि एंटी कोविड नेसल स्प्रे प्रभावकारी प्रदान कर सकता है। गिली रेजब ने कहा, हमें नियमित अनुपालन और वितरण के लिए भारत में एक भागीदारी की आवश्यकता है। हम भारत में कुछ बड़ी दवा कंपनियों के साथ चर्चा शुरू कर रहे हैं। धन्यवाद।